सो हे गाइज दिस इज ओपी और गाइज आज की स्टूडियो में हम देखने वाले एक और सोलो इरेंगल गेम प्ले। बट गाइज गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले अब बिग थैंक यू टू स्टॉम भाई, थैंक यू इतनी सारी पॉपुलरिटी शेयर करने के लिए। और गाइज मैं पॉपुलरिटी के लिए कोई शाउट आउट वगैरह नहीं देता है, बट बंदे ने यूसी वगैरह खर्चे करके पॉपुलरिटी दी है तो गाइज इतना तो बनता है उसके लिए। तो गाइज ये स्टॉम और कोई नहीं है, हमारे लाइनअप का ही आईजीएल है, हमारे कॉम्पिटिटिव लाइनअप का आईजीएल है। जो हम T3 T2 कस्टम्स खेलते हैं गाइज वहाँ पे वो एज अ लीडर हमारी टीम को संभालता है गाइज। तो थैंक यू ब्रो इतनी सारी पॉपुलरिटी शेयर करने के लिए। और गाइज T3 T2 कस्टम से याद आया कि एक चैनल है गाइज EC7 गेमिंग करके, तो गाइज उस चैनल पे हमारे जो T3 T2 कस्टम्स होते हैं गाइज उसकी लाइव स्ट्रीमिंग वहाँ पे होती है गाइज। तो हमारी टीम कैसे परफॉर्म करती है स्क्वाड मैचेस में तो वो सब देखना होगा, तो गाइज उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और गाइज इतना ही नहीं, वो PUBG के हाईलाइट्स वगैरह ये सब तो डालते ही रहते हैं, और एक बहुत ही बड़ा रॉयल पास का वो गिव अवे रखने वाले हैं, और उनकी एक कंडीशन है वो जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद गाइज महीने में 10 रॉयल पास का गिव अवे होने वाला है गाइज। सब्सक्राइब का बटन फ्री है, जाके आप दबा सकते हो, उनको जाके सपोर्ट कर सकते हो। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी रॉयल पास का गिव अवे वो स्टार्ट कर देंगे। कंडीशन ये है कि गाइज उनके 5K सब्स कंप्लीट होने चाहिए। तो गाइज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके सपोर्ट कर सकते हो। तो गाइज अभी के लिए गेम प्ले पे बढ़ते। तो गाइज कल खेल रहा था इरेंगल, और गाइज मैं सोच रहा था कि भाई मेरे को चीटर्स क्यों नहीं मिल रहे। तो गाइज कल एक ही दिन में मेरे को मिले 3-3 चीटर्स गाइज। कल थोड़ा रैंक पुश किया गाइज, 200 पॉइंट्स प्लस किया, क्राउन 5 से मैं पहुंच गया क्राउन 3 में। बट गाइज चीटर्स मिले यार, 3 मैचेस में मेरे को चीटर्स मिले। और गाइज माइनस तो नहीं हुआ बट यार गेम खराब कर दिया उन लोगों ने, ना प्लस हो पाया ना मेरा KD अच्छा हो बन पाया, KD खराब कर दिया गाइज उन लोगों ने। मेरा 6 से मैं 6 के नीचे आ गया गाइज, 6 के ऊपर था 6 के नीचे आ गया मेरा KD। बट कोई नहीं गए, वो हो जाएगा, कर लेंगे। और गाइज आज का टारगेट मेरा ये रहेगा कि क्राउन 3 से मैं क्राउन 1 पे पहुंच जाए, या फिर चीटर्स ना मिलेंगे तो एस भी हो जाएगा गाइज मेरा। तो गाइज इस वाले गेम में मैं उतरा था गाइज ये जो शेल्टर है उसके आसपास वाले कंपाउंड में, और यहाँ पे गाइज मुझे AKM मिल जाती है बट व्हीकल कोई मिली नहीं गाइज, बंदे उठा के लेके गए थे तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसी बीच गाइज मुझे एक सामने बंदा दिखाई दिया, तो गाइज यहाँ पे एक टाइम के लिए लगा कि ये कोई बॉट है, बट बाद में जब वो लेट गया तब मुझे पता चला कि ये बंदा है, और मैं कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता इसलिए मैंने इसको फिनिश कर दिया। तो गाइज मैं आ गया था इन शेल्टर की गुफाओं के पास, और यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, तो ये बॉट ही था शायद से, तो इसको भी मैंने फिनिश कर दिया। उसके बाद एक और बॉट मुझे यहीं पर मिल जाता है, तो गाइज यहाँ पे इजी 3 किल्स मिल चुके थे। अभी किल्स का कोई टेंशन नहीं था, एंड सर्कल में अगर फाइट भी लूँगा तो भी मेरे को बहुत सारे किल्स मिल जाएंगे। तो गाइज यहाँ से मैं अभी जोन के लिए निकल पड़ता हूँ, बग्गी मेरे सामने ही थी, बग्गी उठा के मैं सीधा गया गाइज तालबर की साइड, वहाँ पे ड्रॉप गिरा था और ड्रॉप से मुझे मिल जाती है AUG A3 और उसी के साथ स्कोप भी मिल गया था 4X, तो वो उठा के गाइज मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और यहाँ से मैं सीधा निकल पड़ा। तो गाइज जोन में जाके मैंने सोचा कि यार सेंटर पोजीशन पकड़ लेते। तो गाइज ये वाला जो हाउस था ये था सेंटर में, और अंदर मुझे दिखाई दी ढांचा, तो मैं समझ गया कि बंदा अंदर कहीं पे कैंप कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे रैंडम नेट्स किए गाइज, और बंदा यहाँ पे नहीं था गाइज, बंदा था बैल्कनी में। जैसे मैं अंदर आया वैसे उसने मुझे फुटस्टेप दे दिए, तो गाइज ये वाला बंदा थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि गाइज ये कुछ और हरकतें नहीं कर रहा था, जैसे कि स्मोक्स करना, नेड करना, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस यहीं पे बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो यार इसके ऊपर सीधा रश करते हैं, तो इसको हमने इजीली फिनिश कर दिया। उसके बाद गाइज यहाँ पे जोन नहीं था, मैंने सोचा चलो सेंटर पोजीशन फिर से पकड़ लेते, तो आगे वाला कंपाउंड मुझे सही लगा और वहाँ पर था गाइज ऑलरेडी एक बंदा। तो गाइज बंदा हो ना हो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सीधा रश कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर देखो इस वाले बंदे के साथ हमारी फ़ाइट कैसी होती है। तो गाइज़ ये वाला जो स्क्वाड हाउस है गाइज़, ये एक्चुअली गाइज़ ऊपर वाले बंदे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। इवन नेड भी यहाँ पे फेल हो जाते हैं गाइज़, उतने अच्छे काम नहीं करते नेड से यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइज़ आराम से काम लो, ज़्यादा गड़बड़ी मत करो ऐसे हाउसेस पे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो एक सीढ़ी, और वहाँ पे वो सीधा आपके हेड पे एम ले सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे देखो आप, मैं ठीक से फुटस्टेप सुनता हूँ, एक ट्राई करता हूँ रश करने की। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे जहाँ से फुटस्टेप आए थे वहीं पे मैंने एग्जैक्टली फायर दिया था, बट बंदा वहाँ पे नहीं था। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि भाई बंदा है कहाँ पे। उसके बाद मिनी मैप पे फिर से उसके फुटस्टेप आए, उसके बाद मैं समझ गया गाइज़। तो गाइज़ अभी जो बंदा मरा वो बंदा यूज़ कर रहा था कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह यूज़ कर रहा था गाइज़। मैं ऐसे ट्रिक्स गाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को, क्योंकि गाइज़ कॉन्कर लीग में बंदे कोई नूब नहीं रहते, वो बंदे अच्छे होते हैं, उनको फुटस्टेप, गेम्स एंड साउंड से सब चीज़ें पता होती है। तो गाइज़ ऐसी चीज़ें मत करो। इसी बीच गाइज़ एक बंदा आगे वाला जो था उसने देख लिया, उसने पहचान लिया, और तो गाइज़ इससे हमने थोड़ी सी बातें कर ली। तो गाइज़ आज हवाएँ बहुत ही ज़्यादा चल रही है, मे भी आपको गाइज़ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, वीडियो में थोड़ा सा नॉइज़ आ सकता है गाइज़, वो इतना एडजस्ट कर लो गाइज़ आज के दिन। हाँ भाई आपको जानता हूँ भाई, यूट्यूब पे हो ना। हाँ भाई रैकर। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारा सब्सक्राइबर था वो बीच में गाइज़ ऑफलाइन चला गया रास्ते पे ही, और उसको बचाने का हमने ट्राई किया गाइज़। एक बंदे को मार भी दिया था आगे वाले टीम अप में से, बट गाइज़ एक बंदे ने, दूसरे बंदे ने गाइज़ मार दिया उसको। तो गाइज़ यहाँ पे जोन बन चुका था और मैंने और कोई टाइम वेस्ट नहीं किया यहाँ पे, और गाड़ी उठाई मैं और सीधा गाइज़ जोन की तरफ मैं यहाँ से निकल पड़ा। तो गाइज़ यहाँ पे राइट साइड में अभी यहाँ पे जो छोटा सा रिज मिलेगा, यहाँ पे मैंने सोचा कि ये वाला पार्ट एकदम बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे मैं रुक गया। तो गाइज़ ये वाली जो पोजीशन थी वो थी एकदम सेंटर में, अभी मुझे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं। इवन दो गाइज़ अगर अगला सर्कल भी बनेगा तो भी चांसेस थी कि अगला सर्कल भी मेरे ऊपर ही बनेगा। तो देखो गाइज़ आगे होता क्या है। तो गाइज़ यहाँ पे ये वाला बंदा मुझे स्पॉट हो गया था, और गाइज़ ऑक का स्प्रे तो भाई लेज़र स्प्रे होता है, तो ये वाला बंदा ईजिली फिनिश हो गया। तो गाइज़ अभी जो नेक्स्ट जोन बनेगा वो मेरे ऊपर नहीं रहेगा, इसलिए मैं जोन में जाने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे पीछे की साइड से गाइज़ बग्गी की साउंड सुनाई देती है। तो गाइज़ जैसे इस वाले बंदे को मैंने फिनिश किया, वैसे गाइज़ मुझे पीछे की साइड से M24 का हेडशॉट पड़ता है। और दिक्कत वाली चीज़ ये थी गाइज़ कि अभी मेरे पास टाइम नहीं था हेल्थ किट लगाने का, क्योंकि जोन आ चुका था। और यहाँ पे देखो गाइज़ बेयरली गाइज़ एक 1 HP मैं सर्वाइव करता हूँ यहाँ पे, और वो तो अच्छा था कि आगे वाले बंदे का ध्यान मेरे ऊपर नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ पे मेडिकिट भी लगाने का मौका मिल जाता है। और जो सामने व्हीकल दिखाई दे रहा है गाइज़, और जो ड्रॉप दिखाई दे रहा है गाइज़, वहाँ पे भी एक बंदा लेटा हुआ है गाइज़। अभी मुझे वो स्पॉट नहीं होता, बट जैसे मैं मेडिकेट लगाता हूँ वहीं पे मुझे वो स्पॉट हो जाता है। तो गाइज़ ये वो बंदा था जिसने अपने सब्सक्राइबर को मारा था, तो हमारा यहाँ पे रिवेंज भी कम्प्लीट हो गया। और यहाँ पे देखो गाइज़ ऑल पे कुछ बंदा बोलता है 30+ मिला भाई मुझे। तो गाइज़ यहाँ पे बंदा काफ़ी खुश था, उसके 30+ हुए थे। और यहाँ पे गाइज़ मैं पहले इसकी क्रेट वगैरह लूट लेता हूँ, उसके बाद जोन देखा मैं, तो जोन काफ़ी दूर था गाइज़ यहाँ से, और अभी मुझे जोन में भी निकलना था। इसी बीच गाइज़ लेफ्ट साइड में वो बंदा अभी भी ज़िंदा था गाइज़, M24 वाला। तो जैसे मुझे व्हीकल का साउंड सुनाई देता है मैं उसके ऊपर फायर लेता हूँ। तो गाइज़ जल्दी स्प्रे करने के चक्कर में मैंने ये नहीं देखा कि वो कौन से व्हीकल में बैठा है, नहीं तो ये वाला बंदा यहाँ पे फिनिश है। उसके बाद गाइज़ मैं यहाँ से जोन की तरफ निकल पड़ता हूँ, और यहाँ पे देखूंगा इसकी होता क्या है। तो गाइज़ यहाँ पे एक भी चीज़ मेरे फेवर में नहीं रही। एक तो बंदे टीम अप कर रहे थे, ऊपर से जोन मेरे पास नहीं था, एक अच्छी पोजीशन में नहीं पकड़ पाया, और गाइज़ मूवमेंट देखो आप, मैं बॉट की तरह मूवमेंट कर रहा था क्योंकि वहाँ पे मेरे हाथ पे बहुत सारा पसीना आ चुका था। तो गाइस ये एक दिन पुराना गेम प्ले है, बट गाइस गेम प्ले अच्छा बन गया था इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला गेम प्ले डाल देते हैं। और आपको मेरा स्टैट्स, आपको मेरा केडी, मैं कौन सी लीग पे हो, ये सब देखना होगा तो गाइस आईडी डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस आज का टारगेट मेरा ये रहेगा कि मैं क्राउन 1 या फिर एस में पहुँच जाऊँ। और गाइस लेट पुश करने का एक ही रीज़न है गाइस कि जो पीछे रह जाते हैं गाइस, कुछ बंदे जो फास्ट पुश नहीं कर पाते उतना, उनको गाइस मोटिवेशन मिलता है यार, इसलिए मैं स्लो पुश करता हूँ। और मेरा भी गाइस कभी कभार मूड नहीं रहता, इसलिए मैं ज़्यादा मैचेस नहीं खेलता। और गाइस कल का गेम प्ले अगर आपने मिस किया तो गाइस वो गेम प्ले भी ज़रूर चेकआउट करना है, मैं आपको वीडियो एंड में प्रोवाइड कर दूँगा। गाइस कल का गेम प्ले बहुत ही ओपी चिकन डिनर था, तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। तो गाइस आज का गेम प्ले थोड़ा भी पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस EC7 गेमिंग का चैनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे भी जाके गाइस सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।